गुरु प्यारे हो, अब मैं इस बच्चे रणवी की बात करना चाहता हूँ। देख उजर, देख अपने बारे में बात हो रही है। आपने देखा होगा कि ये बच्चा वहां बैठने लगा था और मैंने ही इसको यहाँ कहा कि पुत्र तुम यहाँ बैठो। ये कल भी यहाँ आया था। मैंने कल एक शुद्ध हृदय का और परमात्मा का आपस में ऐसा रिश्ता देखा है। मैं इतना प्रभावित हूँ कि जब इस बच्चे ने इस बच्ची का नामकरण करने की ड्यूटी भी तो समझो परमात्मा की लगा। बहुत सोचने के बाद मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना आज के दिन ही इस बच्चे को अपनी छोटी बहन का नामकरण करने का मौका दे दिया जाए। तो मैंने इसको बोला, आप सबकी आज्ञा से ऐसा भाई महेंद्र सिंह जी को बेनती करता हूं कि वो इस बच्ची के नामकरण के लिए साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की आज्ञा दें और एक ऐसा अक्षर बताएं जिससे उस बच्ची का नाम रखा जाए। भाई जी, सतनाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रणवीर पुत्र, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हुक्म के अनुसार तुम अपनी छोटी बहन का नाम बब्बा यानी कि हिंदी का बब्बा इस अक्षर से रख सकते हैं। तो बेटा तुम अपनी बहन का नाम रख लो। मैं तो कोई नाम नहीं पता। कल बहुत चार ढूंढे थे पर कोई अच्छा मिला नहीं, और वैसे तो उतने थे भी नहीं। मैनू सोचने दो। वीरेंद्र याद आ रहा है, अच्छा नाम है, पर हमारे पिंड में दो दो कुड़ियों के नाम वीरेंद्र है। नहीं, आप देखो तू वीर है इसका, तो ये तेरी बहन है, तो कितना अच्छा हो कि वीर अपनी बहन का नाम रखे। ये मेरी बहन है और मैं इसका वीर, तो वीर की बहन वीरा। तू मेरी बहन है वीरा। जिस मंजिल की आस उगाई उन राहों का तू रहबर है, तेरी तो मैं जान न पाया, तुझको मेरी सारी खबर है। तू मेरी रहमत का घर है, रब राखा सब रब दी मेहर है। कोई ना समझा कोई ना जाना, तू समझे मेरी पी।